हरियाणा के रेवाड़ी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल की लड़ाई में अपनी जान गंवाने वाले एनएचएम कर्मचारियों की आत्मिक शांति और सरकार का ध्यान अपनी जायज मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए एनएचएम कर्मचारियों ने आज रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल परिसर में हवन यज्ञ कर 2 मिनट मौन रखते हुए सरकार से मांग की गई है कि फ्रंट फुट पर कार्य करने वाले काल का ग्रास बने 5 NHM कर्मचारियों के परिवारों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं कर्मचारियों ने सरकार के प्रति अपना रोष व्याप्त करते हुए अपना फर्ज पूरी निष्ठा भाव के साथ निभाते हुए संक्रमितों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की कुंभकर्णी नीति नहीं टूट रही है। कर्मचारियों की जायज मांगों को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। सरकार उल्टा कर्मचारियों पर ही फरमान जारी करते हुए अत्याचार कर रही है। यहाँ तक कि छोटे छोटे मामलों को लेकर कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। पिछले 5 सालों से लगातार अपनी सेवाएं देने के बावजूद भी उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ तक नहीं दिया गया है। सरकार द्वारा वादा करने के बाद भी उनकी वेतन विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें ना तो मिलने का समय दे रही है और ना ही उनकी मांगों पर ध्यान दे रही है। कर्मचारियों को ठेकादारी प्रथा में शामिल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रधान डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से हमारी सरकार से जो हमारे 5 साथी अभी शहीद हुए हैं उनके उपलक्ष में हमने आज हवन और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रखा हुआ था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जो अब कोरोना काल की महामारी का टाइम चल रहा है उसमें हमारे NHM के सारे साथी जो 24 आवर्स ड्यूटी दे रहे हैं सबसे फ्रंट लाइन में, तो हमारी कुछ मांगे थी जो सरकार को अभी नज़रअंदाज कर रखी है। 7वां वेतन नहीं दिया है और जो 3 साल से हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, उन पे भी सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। और जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके उन सभी को वेतन दिया जा चुका है, 7वां वेतन हम NHM कर्मचारियों को नहीं दिया गया है। और कोरोना में जो जो भी शर्तें सरकार ने रखी थी एक्सपायर होने के बाद जो 50 लाख का बीमा देना था वो भी NHM कर्मचारियों को नहीं मिला है, वो दिया जाए और सेवा सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा जो शिक्षा विभाग में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो योजनाएं लागू की गई थी वो भी लागू की जाए NHM अधिकारियों पे, NHM कर्मचारियों पे। ठीक। हमारे 5 साथी NHM के पूरे हरियाणा के अंदर शहीद हुए हैं, उन 5 साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए और हमारी पिछले काफी समय से लंबित मांगे हैं, जबकि आज इस कोरोना काल के अंदर सारे NHM कर्मचारी फ्रंट फुट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस वजह से वो उनको सरकार को जताने के लिए दिखाने के लिए विरोध स्वरूप आज हमने ये हवन किया है ताकि सरकार जागे और हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे और हमारी मांगों का समाधान करवाए।